प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीधे दृश्य देख रहे हैं। गुजरात के बुरेली प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं छोटा उदयपुर में, एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर पारंपरिक तरीके से ये दृश्य अपने आप में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री की बॉन्डिंग, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री लगातार करते हैं लोगों के साथ, उनका लगाव और ये भावपूर्ण दृश्य अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत बुरेली में, यहां पर प्रधानमंत्री 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन के तहत ये परियोजनाएं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं, शिक्षा की दृष्टि से, वहां पर विकास की दृष्टि से, और बेहद महत्वपूर्ण है लोगों के ये भाव जो देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, प्रधानमंत्री के स्वागत में उत्साहित लोग, महिलाएँ बड़ी संख्या में और नाचते हुए महिलाएं, उनका उत्साह, जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, युवा जो मौजूद हैं, उनका उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर किया गया है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिससे पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री गुजरात के स्कूलों में निर्मित हजारों नई कक्षाएं, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब्स, एसटीईएम प्रयोगशालाएं और अन्य बुनियादी अवसंरचनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक बेहद बड़ा कार्यक्रम इस मिशन के तहत गुजरात के स्कूलों में हजारों कक्षाओं में सुधार और उन्नयन के लिए आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। ये परियोजना विद्या समीक्षा केंद्र की सफलता को देखकर तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री वडोदरा जिले के तालुका सिनोर में ओदरा दाभोई सिनोर मालसर आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने नए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चापतला पुनर्विकास परियोजना, दाहोद में जल आपूर्ति परियोजना, वडोदरा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लगभग 400 नव निर्मित आवास, पूरे गुजरात के 7500 गांव में ग्राम वाईफाई परियोजना और दाहोद में नवनिर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री छोटा उदयपुर में जलापूर्ति परियोजना, गोधरा पंचमहल में एक फ्लाई ओवर ब्रिज और दाहोद में केंद्र सरकार की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत बनाए जाने वाले FM रेडियो स्टूडियो का भी शिलान्यास करेंगे। तो बड़ी परियोजनाएं एक बड़े विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं छोटा उदयपुर के बुरेली, जहां पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत और प्रधानमंत्री के स्वागत में तमाम लोगों का उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महिलाएं, युवा और तमाम अन्य जन वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, जो दिखाता है प्रधानमंत्री के साथ उनके संबंध को, प्रधानमंत्री के साथ उनके कनेक्ट को, प्रधानमंत्री के साथ उनकी भावनात्मक बॉन्डिंग को, अपने आप में ये दृश्य बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत, भव्य उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं की सौगात वहाँ पर देने वाले हैं। ये परियोजनाएं स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देंगी, बड़े पैमाने पर इसमें बदलाव होगा और स्कूलों में सुधार और उन्नयन के लिए आधारशिला के रूप में ये परियोजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। PM विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है वहाँ के उन्नयन के लिए, विकास के लिए। इसके अलावा 7500 गाँव में वाईफाई वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत और दाहोद में नवनिर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय, ये तमाम परियोजनाएं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं वहां पर विकास के लिए, वहां पर बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए और वहां पर जो लोगों की आशाएं हैं, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं,
जो समय के अनुसार लगातार और ज़्यादा जो आशाएं हैं, भावनाएं हैं जो बढ़ रही हैं, उनकी पूर्ति के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और जो विश्वास है इन परियोजनाओं में, जो उत्साह है इनमें, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ये प्रधानमंत्री के स्वागत के भव्य दृश्य। वास्तव में बुनियादी ढांचे का विकास जो अपने आप में सरकार के विजन में है, प्रधानमंत्री के विजन में है, वो वहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है पूरे देश की तरह। और अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो एक ब्रांड के रूप में उभरा है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रांड से ज़्यादा ये बॉन्डिंग है जो दिखाई देती है, आपसी विश्वास को, भावनात्मक लगाव को और विकास के प्रति जज्बे को, जिसकी मजबूत आधारशिला और ज़्यादा मजबूत हो रही है इन कार्यक्रमों के द्वारा। प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बोडेली छोटा उदयपुर में पीएम मोदी के रोड शो के ये दृश्य हैं, जब उनका भव्य स्वागत किया गया, शिक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर करने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक भव्य कार्यक्रम है, एक बड़ा कार्यक्रम है, और इसमें जो लोगों का उत्साह है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, विशेषकर युवाओं का, महिलाओं का, और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, शिक्षित भारत एवं नूतन भारत ना निर्माता गुजरात ना पनोता पुत्र अने समग्र विश्व ना सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने G20 नी अद्भुत सफलता अने महिला अनामत ना ऐतिहासिक निर्णय पछी बोडेली नी धरती पर आप पधार्या छो त्यारे खूब खूब स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री, साथे ज स्वागत सौ महानुभावो नु नमस्कार। विकसित भारतना स्वप्न अने अमृतकाळना संकल्पने सार्थक करता मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सलेंस सहित गुजरात सरकारना विविध विकास कार्योना लोकार्पण अने खातमुहूर्त कार्यक्रममां आप सौनो हृदयपूर्वक स्वागत करीए छीए। आवो आपणी आतिथ्य सत्कारनी परंपराने उजागर करीए, आपणा आંગણે पधारेला આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું વિધિવત રીતે સ્વાગત કરીશું। સૌપ્રથમ વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલને કે આપ બંને સાથે મળીને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન કરશો। કન્યા કેળવણીને જન આંદોલન જેમણે બનાવ્યું તેવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું આ સુંદર પેઇન્ટિંગ દ્વારા સ્વાગત। અને હવે વિનંતી કરીએ છીએ મંચ ઉપર બિરાજમાન સૌ માનવંતા મંત્રીશ્રીઓને કે આપ સૌ પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશો। સર્વે શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોર, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા, શ્રી ભીગોભાઈ પરમાર, ગણપતિની મૂર્તિ અને સાથે જ માનનીય મંત્રી શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોર દ્વારા અહીંયાની આદિવાસી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરનાર સાફો, કોટી અને ચાંદીનું કડું પહેરાવીને સમસ્ત જનતા વતી સ્વાગત થઈ રહ્યું છે। જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને આવકારીએ, આભાર। અને હવે મંચસ્થ મહાનુભાવોને પણ વિનંતી કે આપ સૌ પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન કરશો। જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શ્રીમતી મલકાબેન પટેલ, માનનીય સાંસદ શ્રીમતી ગીતાબેન રાઠવા, માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા, માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી જયંતિભાઈ રાઠવા,